बेटा हम लोग जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारा 29, जिसमें हम वेरियस जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। काफी ग्लैंड्स हमने देखी है, जैसे कि थायराइड, पैराथायराइड, है ना, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, उनके काम, उनसे होने वाले जो हार्मोन की कमी से या अति स्रवण जो हो जाता है, ज्यादा सीक्रेशन हो जाता है, तो कौन कौन से रोग होते हैं। अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अग्नाशय ग्रंथि पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाचन तंत्र में भी पढ़ते हैं हम इसको, क्योंकि अग्नाशय रस का स्रवण होता है और अग्नाशय रस क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है ना, पूर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं। तो वहां पर भी इसकी स्ट्रक्चर हम लोगों ने पाचन तंत्र में पढ़ी, यहाँ पर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो देखो आपको जो नोट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ, तो इनको आप समझें। तो सामने देखो स्क्रीन के ऊपर बेटा, सबसे पहले अग्नाशय ग्रंथि, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि यह बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में पाचक रस यानी अग्नाशय रस का स्रवण करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में हार्मोन का स्रवण करती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि, यानी दोनों ही करती है। जो एंजाइम रिलीज करती है उन ग्रंथियों को हम बहिःस्रावी कहते हैं, और जो हार्मोन का स्रवण करती है उन ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी कहते हैं। तो ये दोनों ही, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। फिर उसके बाद देखो, यह अमाशय के पीछे यू आकार की ग्रहणी वाले भाग में स्थित होती है। अमाशय और ग्रहणी, इन दोनों के बीच में अनियमित आकार की ग्रंथि है जो कि पाई जाती है। यह हल्के पीले अथवा गुलाबी रंग की चपटी अनियमित आकार की मिश्रित ग्रंथि है। इसका रंग पीला या हल्का गुलाबी होता है, चपटी होती है पत्ती के समान, मिश्रित ग्रंथि है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर के लगभग, और भार होता है 85 ग्राम। अब इसकी आंतरिक संरचना को अगर हम देखते हैं तो देखो, मैं डायरेक्ट आपको डायग्राम से समझा देती हूँ बेटा। ये देखो, ठीक है। अब ये जो आप रेड कलर के देख रहे हो, ये जो है वो क्या है, पालिकाएं हैं। ये जो आपको रेड कलर की स्ट्रक्चर्स दिख रही है डायग्राम के अंदर, ये पालिकाएं हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, एसिनाई कहा जाता है। और ये जो एक एक डॉट लगी हुई, ये कोशिकाएं हैं जिन्हें एसिनाई कोशिकाएं कहा जाता है। और इनके बीच में ये जो गुहा आपको दिख रही है उसको कहा जाता है, गुहा के अंदर एक तरल पाया जाता है जिसे कहा जाता है एसिनाई तरल। तो ये पालिकाएं होती है। अब इन पालिकाओं के बीच में ये संरचना आपको दिख रही है, इसे लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है। इसमें तीन तरीके की कोशिका होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका, है ना। ये तीन तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है। तो इन तीनों के मिलने से जो संरचना बनती है उसे लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो बाहर आप देख रहे हो, ये तो हो गई हमारी एसिनाई पालिका। ये एसिनाई क्या काम करती है, ये पाचक एंजाइम रिलीज करने का काम करती है। पाचक एंजाइम, जो पूर्ण पाचक एंजाइम जिसे हम कहते हैं ना, जो खाने को पचाने में मदद करती। तो एसिनाई का काम जो होता है वो हो गया बहिःस्रावी ग्रंथि, क्योंकि ये एसिनाई क्या कर रही है, कोशिकाएं एंजाइम को सीक्रेट कर रही है। फिर ये अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये कोशिकाएं क्या करती है, विभिन्न हार्मोन का स्रवण करती है। और इन तीनों के मिलने से जो संरचना बन जाती है उसे लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसके अंदर, जो लेंगरहैंस की द्वीपिका में तीन तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। लेंगरहैंस द्वीपिका की खोज लेंगरहैंस ने 1869 के अंदर की थी। कोशिकाएं तीन है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो अल्फा जो कोशिका होती है वो ग्लुकेगोन का स्रवण करती है, बीटा जो कोशिका होती है वो इंसुलिन हार्मोन का स्रवण करती है, और डेल्टा जो है वो सोमेटोस्टेनिन नामक हार्मोन का स्रवण करती है, ठीक है। तो ये तो हो गई लेंगरहैंस की द्वीपिका के काम। उसके बाद अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर में, अग्नाशय की आंतरिक संरचना में, अग्नाशय के अंदर वृत्ताकार पालिकाएं पाई जाती है जिन्हें अग्नाशय एसिनाई कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया प्रत्येक एसिनाई कई एसिनाई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एसिनाई कोशिकाएं क्या किसकी बनी होती है, घनाकार उपकला उत्तक की। अभी बताया था मैंने कि गोल संरचना थी, उसमें जो इस तरह से कोशिकाएं लगी हुई थी उसे हम क्या बोलते हैं, एसिनाई कोशिकाएं बोलते हैं। तो घनाकार उपकला उत्तक की बनी होती है। एसिनाई कोशिकाओं के द्वारा क्षारीय प्रकृति का अग्नाशय
जो रस होता है वो स्रवित किया जाता है, जो पाचन करने का काम करता है। फिर एसिनाई पुटिकाओं के बीच में एसिनाई द्रव्य क्या होता है, भरा हुआ रहता है। ये मैं आपको ऑलरेडी क्या कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। एसिनाई की पालियों के बीच स्थान संयोजी उत्तक के अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, इन्हें लिंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है। लिंगरहैंस की दीपिका हम लोगों ने पढ़ा कि तीन कोशिकाओं से मिलकर बनाता है, अल्फा बीटा और डेल्टा। तो अब देखो अल्फा बीटा डेल्टा कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अल्फा कोशिकाओं की खोज जो है वो किम्बल व मर्लिन के द्वारा की गई। ये कोशिकाएं मध्यम आकार की होती है ना, साइज बड़ा होता है ना छोटा होता है। संख्या यानी इन तीनों में जो अल्फा कोशिका, अल्फा बीटा और डेल्टा जो कोशिका है उनमें इनका कितना प्रतिशत होता है, 25% होता है। कौन से हार्मोन का स्रावण करती है, ग्लूकेगोन का करती है। फिर आती है बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिका आकार में बड़ी व संख्या में सर्वाधिक होती है, साइज में सबसे ज्यादा होती है। और तीनों कोशिकाओं में इसका कितना प्रतिशत होता है बेटा, 60% होता है। ये किसका स्रवण करती है, इंसुलिन हार्मोन का स्रवण करती है। फिर है इंसुलिन संबंधित, इंसुलिन जो हार्मोन है, नाम सुना होगा, मधुमेह रोगी को क्या किया जाता है, डायबिटीज के पेशेंट्स को इसका इंजेक्शन दिया जाता है ना। तो इंसुलिन हार्मोन के संबंधित जो खोजी गई बैटिंग और बेस्ट ने की थी, सबसे पहले 1921 में इंसुलिन को प्राप्त किया। इंसुलिन के क्रिस्टल जो है, छोटे छोटे कण होते हैं, क्रिस्टल काश टूट जाता है ध्यान, छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलते हैं, तो क्रिस्टल जो है वो एबल ने प्राप्त किए। और इंसुलिन प्रोटीन प्रकृति का होता है, ये सबसे पहले सेगन ने बताया था 1953 में। 1958 में इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरी जो कोशिका है इसकी संरचना में वो आती है कौन सी, डेल्टा कोशिकाएं। डेल्टा कोशिकाएं सबसे कम पाई जाती है और सबसे छोटी होती है। सारी कोशिकाओं में प्रतिशत कितना है इनका, सिर्फ 10% है, छोटी होती है आकार में। और जिस हार्मोन का ये स्रवण करती है वो होता है सोमेटोस्टेनिन हार्मोन, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है स्ट्रक्चर। अब देखो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन और उनके कार्य, सबसे पहले कौन होता है, ग्लूकेगोन हार्मोन। अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा इसका क्या होता है, स्रवण होता है। कौन सी कोशिकाएं करती है, अल्फा, लिंगरहैंस दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा सिक्रेशन होता है। ये रक्त में ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है। इसके द्वारा ग्लूकोनियोजेनेसिस क्रिया को संपन्न किया जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस बेटा क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, वसीय अम्ल व एमिनो अम्ल से क्या प्राप्त करना, ग्लूकोज प्राप्त करना, ये क्रिया ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो रक्त में किसकी मात्रा बढ़ाती है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाती है, ठीक है। उसके अलावा ग्लाइकोजन को भी क्या कर देता है, यकृत के अंदर स्टोर होता है। हमारे मनुष्यों के अंदर जैसे पादप में भोजन स्टार्च के रूप में होता है, उसी तरीके से एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में, मनुष्य के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संग्रहित रहता है। तो ग्लूकेगोन इसको किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। फिर आता है नेक्स्ट इंसुलिन, यह बीटा बी सेल्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, सामान्य बनाए रखता है। यह यकृत में ग्लाइकोजन का क्या करता है, निर्माण करता है। बीटा कोशिकाओं के द्वारा किसका स्रवण किया जाता है, इंसुलिन का। और ये इंसुलिन जो है ग्लूकोज को क्या करता है, सामान्य बनाता है। कैसे सामान्य बनाता है, ग्लूकोज की मात्रा को रक्त में, क्योंकि ग्लूकोज को इंसुलिन किसमें बदल देता है, ग्लाइकोजन में। तो ऑब्वियस ही बात है, रक्त में जितना भी ग्लूकोज था वो अगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है तो ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कम हो गई है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हो जाएगा, यकृत के अंदर। इसके अलावा ये बीएमआर आरएनए से प्रोटीन निर्माण, वसा और पेशियों में ग्लाइकोजन के संश्लेषण को क्या करता है, बढ़ाता है। बीएमआर क्या होती है बेटा, बीएमआर का मतलब है कि हम जो दैनिक क्रियाएं करते हैं है ना, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, इसके लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वो एनर्जी की जो मात्रा होती है उसको हम बीएमआर कहते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। तो बढ़ाने में मदद करता है ये। इसके बाद देखो नेक्स्ट है सोमेटोस्टेनिन, जो कि तीसरा हार्मोन है। ये डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हार्मोन है। ये इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन के स्राव में निरोध की भांति कार्य करता है, मतलब इनके स्रवण को क्या करता है, रोकता है। और स्वांगिक पचे हुए भोजन की स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। स्वांगीकरण का मतलब जो भी भोजन से हमें पोषक तत्व मिले हैं उस पोषक तत्व को क्या करेगा, जो शरीर है वो उपयोग करेगा, उस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। तो आराम से इजीली बैठ के हमारा जो शरीर है वो क्या करेगा, यूज करेगा पोषक तत्व जो भी मिले हैं उसको, तो स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। फिर है इंसुलिन से संबंधित रोग, अल्पस्रवण संबंधित रोग और अतिस्रवण संबंधित रोग। यानी अल्पस्रवण का मतलब अगर इंसुलिन कम होता है तो कौन से रोग होते हैं, और अतिरिक्त रिलीज होता है तो कौन से रोग होते हैं। तो देखो अल्पस्रवण से संबंधित जो रोग है वो है मधुमेह,
बहुमूत्रता, पॉलीडिप्सिया और कीटोसिस, और अतिस्रवण से होता है हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। यह नहीं दिख रहा है पर हाइपोग्लाइसीमिया है बेटा, ठीक है। इसके बाद देखो, सबसे पहले इंसुलिन के अल्प स्रवण से संबंधित रोग है पहला मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस कहते हैं इसको। इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। रक्त में बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा मधुमेह रोग कहलाता है। आगे बात समझ में, अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं, ठीक है, डायबिटीज माइलिटिस कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र में ग्लूकोज का क्या हो जाता है, उत्सर्जन, यानी मूत्र के साथ ग्लूकोज शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम, इस रोग को हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। मधुमेह रोग हो सकता है कि आपको अनुवांशिक, मतलब अगर किसी के फादर को है तो हो सकता है आपको भी हो सके, तो अनुवांशिक रोग होता है, ये डॉक्टरों का मानना है। फिर आता है बहुमूत्रता, बहु मतलब बहुत अधिक, तो बहुत ज्यादा मूत्र आता है ऐसे व्यक्ति को। डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनमें टॉयलेट ज्यादा लगती है, अगर आपने नोट किया हो घर में परिवार में कोई हो आपके, तो मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मूत्र का आयतन बढ़ जाने के कारण रोगी को क्या आता है, बार बार मूत्र आता है। तो मूत्र, क्योंकि जल का अवशोषण नहीं हो पाता और मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, तो आयतन बढ़ जाता है और बार बार सुसु आता है उस व्यक्ति को, ठीक है, टॉयलेट आता है। फिर है पॉलीडिप्सिया, इस रोग में भी मूत्र अधिक आता है, जिससे शरीर में पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, रोगी को ज्यादा प्यास लगती है, तो यहाँ पर भी ज्यादा टॉयलेट आ रहा है। जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है जिस व्यक्ति के भी रक्त में, उसमें ये कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहा है कि उनको यूरिन जो सिक्रेशन होता है वो ज्यादा होता है ना, टॉयलेट ज्यादा आता है, तो जिनके शरीर में बाहर पानी निकल रहा है मूत्र के रूप में, तो प्यास ज्यादा लगती है, ठीक है, तो ये पॉलीडिप्सिया कहलाता है। फिर आता है कीटोसिस रोग, ये भी अल्प स्रवण से होता है। इसमें वसा का अपूर्ण विखंडन होता है, यानी पूरी तरह से टूट नहीं पाता वसा, जिससे शरीर में एसीटोन की मात्रा बढ़ती है और रोगी लंबी बेहोशी में चला जाता है, इनफेक्ट कोमा में चला जाता है कई बार। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है अति स्रवण से होने वाले रोग, हाइपोग्लाइसीमिया। अति स्रवण यानी इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट होता है, तो ये रोग होता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, इस अवस्था को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ग्लूकोज जितना चाहिए उतना नहीं हो पाता, ठीक है, क्यों, क्योंकि इंसुलिन ज्यादा हो गया, इंसुलिन ज्यादा होगा तो ग्लूकोज जितना भी होगा वो सब किसमें चेंज हो जाएगा, ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा, तो ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में चेंज हो गया बेटा, तो ग्लूकोज तो रहा ही नहीं ना, तो इस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। शरीर की कोशिकाओं के द्वारा रुधिर से अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, ग्लूकोज को ग्रहण कर लिया जाता है। जो सेल्स होती हैं बॉडी की, वो रक्त में से ग्लूकोज को ज्यादा ग्रहण कर लेती है, रोगी को थकावट महसूस होती है, देखने की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है और शरीर में ऐंठन होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये आपकी क्या हो गई, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, जो जिसे हम कह रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना।